हाउस के अंदर क्या बदमाशी और गुंडागर्दी चल रही है, हमें शर्म आती है अपने आप को सूबाई असेंबली के मेंबरान कहने में। गुजरात मंडी बहाउद्दीन के गुंडों ने स्पीकर गैली से बैठकर हमारी एमपीएस को मारना शुरू किया, बाहर से शर्म अफसोस की बात है। और ये स्पीकर साहब जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो आईनी तौर पर उसको दिया है, क्या आईन ने ये इख्तियार दिया था उसको इस किस्म की बदमाशी और गुंडागर्दी करें? हम 600 किलोमीटर से सफर करके आते हैं, ये 5 मिनट में इजलास बुलाकर इजलास कहते हैं जी मैंने 10 दिन आगे कर दिया है। डीपी स्पीकर के साथ किया, फिर जिस तरीके से एमपीएस के साथ किया, जिस तरीके से बदमाशी गुंडे तरीके से जो गवर्नर का करा रहा है, गवर्नर सर्वर को सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि वो रूल्स की बात करता था, वो कानून की बात करता था, वो इनके गलत काम पे अमल दरामद नहीं करना चाहता था। इन्होंने सरबराह चीमे को लाकर बैठा दिया, उसने क्या आइन को पैमाल नहीं किया? आइन की धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों ने, इन्होंने आइन का मजाक बनाया। ये कहते हैं कि आपने ये अपने गवर्नर साहब ने ये आर्डिनेंस जारी कर दे, मैं आपको 3 दिन की ये अंदर की हकीकत आपको बताता हूँ कि ये परवेज लाई हमें 12 बजे से बुलाकर रात के 1 बजे तक हाउस के अंदर बैठकर वहाँ मस्करे आता था, ये लोगों को जलील कर रहा था, वहाँ के पास इख्तियार है जो कि जलील करता रहा। शाही साहब आपकी बात आ गई, दोबारा आते हैं आपकी तरफ। सर मेरी बात सुने, हमने इसकी मिन्नतें की है, इसका हर बात मानने की कोशिश किया। अवैध साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद? सर मैंने क्या कहा, अब उसके बाद मजबूरन मुझे हमें ये अपने अवान इकबाल में जाना पड़ा है। अच्छा ठीक है, कानूनी रास्ता इख्तियार किया। दोबारा बात करते हैं आपसे, अवैध साहब की बात सुन लीजिए जरा। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैंने हसन सावर साहब को भी दिया जानबूझ के, हमारे सफेद बालों को इन्होंने जलील किया वहाँ, मतलब कि अपने असेंबली के अंदर। चौहान साहब आप अवैध साहब की बात सुन ले, फिर बाकी तरफ भी आऊंगा। हसन सावर साहब भी बैठे हुए हैं, इनकी गद्दियां डालते रहे हैं। अवैध साहब हमारे अटॉर्नी जनरल थे, इनको नहीं पता था चीमा क्या कर रहे हैं? कानून की मदद आप इनकी बात तो सुन लेना, आप बात तो सुन लेना। जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप उनकी बात सुन ले, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा। बिल्कुल आप बेड़ा गर्क कर दिया है, मतलब कि जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं तो सुन लेना, बात सुन ले।